thanks, Pandit sir, and the entire Catalyst group for helping me throughout my preparations. Catalyst में इसलिए recommend करना चाहूंगी क्योंकि सर के videos काफी helpful होते हैं to understand the basic concepts. आप videos को n number of times देख सकते हैं. अगर कोई doubt हो तो you can get them solved. आप अपने convenience के हिसाब से videos देख सकते हैं. उसके अलावा सर ऑल्सो हेल्प्स यू एज अ मोरल गाइड, आपको मोटिवेटेड रखते हैं वो, विच हैज हेल्प मी अ लॉट. सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक द कैटलिस्ट. आई वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ द पॉइंट्स एंड स्ट्रेटजीज विच कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम. सो टू बिगिन विथ, ये एग्जाम तीन स्टेजेस में होता है, वन ऑफ विच इज प्री, देन मेन्स एंड देन इंटरव्यू. अगर हम प्री के बारे में बात करते हैं तो इसमें दो पेपर्स होते हैं, जिसमें से एक टेक्निकल का होता है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा नॉन टेक का. नॉन टेक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें एमपीजी के पूछा जाता है. एमपीजी के प्रिपेयर करने के लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक रेफर कर सकते हैं. काफी सारी रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, पर्टिकुलरली मैंने पुणे का रेफर करी थी. उसके अलावा हिंदी पूछी जाती है इसमें, तो हिंदी मैं इसलिए कहना चाहूंगी कि आप प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि हिंदी जनरली हम इग्नोर कर देते हैं, हिंदी के काफी क्वेश्चंस आते हैं और काफी सिंपल आते हैं, तो एक बार आप थोड़ा सा अगर हिंदी पढ़ लेते हैं तो वो क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे. अगर हम टेक्निकल की बात करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग जो है, तो उसमें उसको प्रिपेयर करने के लिए आप ईएस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि कोई प्रीवियस ईयर्स की बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट में एमपीपीएससी स्पेसिफिक के लिए, तो ईएस के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से काफी कुछ कवर हो जाएगा. इसके बाद ये एक एडवांटेज इस एग्जाम में कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें. इसके अलावा मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेंस में दो पेपर होते हैं, दोनों पेपर इक्वल वेटेज है दोनों पेपर का. इसके लिए आप ईएस के प्रीवियस ईयर ही लगाइए मेंस के, क्योंकि एमपीपीएससी का कोई सॉल्व प्रीवियस ईयर की बुक अवेलेबल नहीं है, बट इसके साथ आपको एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो अवेलेबल है उनको सॉल्व करके काफी बार प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि पेपर का डायमीटर उसी में से होता है. तो अगर आप काफी बार उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में कोई गड़बड़ नहीं होगी और टाइम बचेगा, क्योंकि टाइम एक कंस्ट्रेंट होता है मेंस में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का टाइम पे पेपर कम्प्लीट नहीं हो पाता है, और अगर आप पेपर टाइम पे कम्प्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो आप वैसे ही थोड़ा बाहर हो जाते हैं रेस से. उसके अलावा अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू काफी डायनेमिक होगा. आप ऐसा मत सोचिए कि अगर इंटरव्यू टेक्निकल एग्जाम का है तो सिर्फ टेक्निकली पूछेंगे, काफी जनरल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. इंटरव्यू डायनेमिक इसलिए है क्योंकि आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा होगा, आपकी प्रोफाइल क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रेशर हो तो आपका बीटेक प्रोजेक्ट और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. अगर आप जॉब कर चुके हो पहले तो आपसे जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. जो इम्पॉर्टेंट है, आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स के साथ थोड़ा जनरल क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिए, जैसे कि आप जिस सिटी में रहते हो वहाँ पे अगर कुछ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ एडवांसमेंट हो रही है तो वो सब आप कवर कर लीजिए. इसके अलावा इंटरव्यू का वेटेज थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू मेन्स, तो पर ये आप सोच के इसे इग्नोर मत कीजिए क्योंकि इंटरव्यू से आपको जो डिपार्टमेंट अलॉट हो रहा है वो डिसाइड हो सकता है. तो इंटरव्यू की लाइफ में मत लीजिए, इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कीजिए, बेसिक डेफिनेशंस पढ़ के जाइए. आई होप इस सबसे आपको हेल्प मिलती है. थैंक यू.